Hey guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ACCA कोर्स के बारे में। अच्छा, इस कोर्स को आप ग्लोबल CA नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है या फिर होने ही वाला है, ग्रेजुएशन चल रहा है या फिर होने ही वाला है, और आप सर्च कर रहे हैं कोई ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन जिसकी डिमांड इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी हो, देखिए फिर तो आपको ना ACCA के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज का वीडियो हम स्पेशली आप ही बच्चों के लिए लाए हैं, जहां पर ACCA के बारे में A to Z पूरी डिटेल हम आप बच्चों के साथ शेयर करने वाले हैं। आज के वीडियो को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड करा है। पहले बेसिक जितनी भी डिटेल्स हैं ACCA के बारे में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, बेनिफिट्स बताने वाला हूं ये कोर्स को करने का बेनिफिट क्या है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहां से और कैसे ये कोर्स को परस्यू करना है। तो पावर पैक्ड आज का वीडियो होने वाला है। मेरा नाम सुनील अधिकारी है, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले बहुत ही बेसिक लेवल, फंडामेंटल लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक डिटेल में शेयर करता हूं ACCA कोर्स एक्चुअल में है क्या। देखिए फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन फॉरेन में डिमांड नहीं है। लेकिन जब आप कोई ऐसा सर्टिफिकेशन करते हैं जैसे कि ACCA है, उसकी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए हम इसको ग्लोबल CA नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोर्स का लेवल ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा अब बात कर रहे थे रिकॉग्निशन की, तो 180, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, इसको 180 से ज्यादा कंट्रीज में जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप ये कोर्स को परस्यू कर लेते हैं। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं ना एक इंडियन CA को और ACCA चार्टर्ड मेंबर को, समझ में आ पा रही है। तो 180 से ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज में वर्क करने की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी है इस कोर्स के, जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन देखेंगे ना, सबसे इजी यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है। सिर्फ आपका 10th क्लियर होनी चाहिए, 10th के बाद अगर आपने मन बना लिया है अकाउंटिंग और फाइनेंस में, तब भी आप कैरियर बना सकते हैं, ACCA के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक देखा जाए तो 12th अगर आपने कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, जरूरी नहीं आप कॉमर्स के ही हो, आप आर्ट्स के साइंस के बच्चे भी हैं, तब भी आप 10+2 के बाद अपना ACCA की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन है, कोई भी परसेंटेज, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट की एज सच यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, टोटल पेपर्स की बात करेंगे तो ये एक हमारा सर्टिफिकेशन है, एक आपको मतलब एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेशन हासिल होता है, अर्न करना पड़ेगा आपको। इसके लिए 13 एग्जाम्स आपको पास करने पड़ेंगे, 9 मैंडेटरी होते हैं और 4 ऑप्शनल मिलते हैं, तो कुल मिलाकर 13 पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। लेवल्स की बात करेंगे तो जैसे कि आप CA के बारे में जानते हैं 3 लेवल्स होते हैं, आपका फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फिर आपका फाइनल होता है। CS में भी देखते हैं आप 3 लेवल्स होते हैं, सेम यहां पर भी पैटर्न है, 3 लेवल्स होते हैं, नॉलेज लेवल, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड होता है स्किल लेवल, और लेवल 3 होता है हमारा प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, समझ में आ चुका है। 13 पेपर होते हैं इन टोटल, 3 लेवल्स में 13 पेपर्स को डिवाइड करा गया है, और इन कंपैरिजन टू द CA डिफिकल्टी लेवल काफी कम है, इन कंपैरिजन टू द CA डिफिकल्टी लेवल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कम है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में। तो आप जैसे मन करे वैसे ये एग्जामिनेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, वंस एट अ टाइम भी एक पेपर एक समय में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जैसे कि ACCA है वो आप ऑफर करते हैं। ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद आप ये स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, या फिर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो 2 से 3 साल का आपको समय लग जाता है इन 13 पेपर्स को क्लियर करने में। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी नजर एक बार थोड़ी सी यहां पर डालिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, साल में 4 बार ये एग्जामिनेशन लेता है। तो इफ इन केस एक अटेम्प्ट अच्छा नहीं भी गया है, 3 और अटेम्प्ट मिलते हैं उसी साल में, तो इससे बेटर क्या हो सकता है और जीने को क्या चाहिए, राइट। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर आपको अटेम्प्ट मिलते हैं इन 13 पेपर्स को परस्यू करने के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन मेथड कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन होता है, आपको सेंटर्स अलॉट होते हैं, आपके शहर में ही सेंटर्स होते हैं, वहां पर आपको जाकर एग्जामिनेशन देना है, और आप चाहें तो घर बैठे भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आपके कोर रहते हैं इसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और टैक्सेशन जैसे
ये कोर हमारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको 13 पेपर्स के अंडर में मिलते हैं। एग्जम्पशंस भी यहां पर प्रोवाइड होते हैं, तो अगर आप बीकॉम या बीबीए ग्रेजुएट हैं तो आपको 5 एग्जम्पशंस मिल जाते हैं 13 में से, राइट। मतलब ये पेपर्स आपको देने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, 13 में से 5 तो आपको देने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीए इंटरमीडिएट मतलब आईपीसीसी क्लियर हैं तो आपको 6 एग्जम्पशंस आपको मिल सकते हैं, और कहीं अगर आप सीए क्वालिफाइड हैं तो आपको 9 एग्जम्पशंस तक मिल जाते हैं। तो बचे कुछ थोड़े बहुत पेपर आप एक साल के अंदर अंदर निकाल लेते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और आपको कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में ही ये एग्जम्पशंस फैसिलिटी और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मोड ऑफ कंडक्ट जो है आपको सिर्फ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में ही देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेंबरशिप यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर आप पेपर्स क्लियर कर लेते हैं तो इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ना आपको एक तो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे 13 प्लस 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बढ़िया बात यह है कि वर्क एक्सपीरियंस आप चाहें तो ACCA करने से पहले, करने के दौरान while doing your ACCA, या फिर ACCA खत्म होने मतलब पेपर क्लियर करने के बाद भी आप ले सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है, तो यहां पर टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि सर ACCA कर रहे हैं उससे पहले एक्सपीरियंस लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, आप दौरान भी ले सकते हैं या फिर ACCA पेपर क्लियर करने के बाद भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 लाख आपके लगते हैं, टोटल फीस लगती है ACCA को परस्यू करने के लिए। इसको कंपेयर करो अपने जो भी आप अंडर ग्रेजुएट में कोर्स कर रहे हो या फिर मास्टर्स में करने वाले हो, तो काफी कम आपको लगेगी। प्लस यहां पर एश्योर्ड प्लेसमेंट है जो कि अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज या पीजी कोर्सेज आपको कभी नहीं देते हैं, आई रिपीट कभी नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह फायदा होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करने का या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करने का, जहां पर कॉस्ट तो लगती है लेकिन वो कॉस्ट आप सिर्फ अपनी पहली इनकम से ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पढ़ने का। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, जब आप सक्सेसफुली ये ACCA के पेपर्स क्लियर कर लेते हैं, जॉब मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। अगर कंपनीज की बात करेंगे तो ACCA को इंडियन कंपनीज प्लस ग्लोबल कंपनीज दोनों ही हायर करती है। बिग फोर का नाम सुना है, KPMG, PwC, EY, Accenture, Grant Thornton, Morgan Stanley, Barclays, BDO, Tata Group, McKinsey, Standard Chartered जैसी MNCs आपको हायर करती है, और अप टू एवरेज जो सैलरी पैकेज है वो है 12 लाख पर एनम। मैं रिपीट कर रहा हूं, सैलरी पैकेज जो है यहां पर है 12 लाख पर एनम। तो मुझे एक ऐसा कोर्स बताओ जो आपको इतनी जल्दी इतनी अच्छी सैलरी देता है और ग्लोबली एम्प्लॉयबल भी बनाता है जस्ट आफ्टर पासिंग योर 12th। No other course other than ACCA course, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है ACCA कोर्स को परस्यू करने के, चाहे आप 12th के बाद करें या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्स को करें, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर सर, तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि मैंने बताया ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो आपको अपना स्कूल नहीं कराएगा, कोई कॉलेज ये नहीं कराएगा, आपको एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को चूज करना पड़ेगा यहां से तैयारी करने के लिए। इन 13 पेपर्स जो कि पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो आपको डेडिकेटेड इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। 3-4 पॉइंट है कोई भी इंस्टीट्यूट को चूज करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला है ACCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है अपने लिए, कोई भी लोकल, मतलब अपने आप सिटी में गए और जो भी इंस्टीट्यूट है जो कि बैंक की तैयारी करा रहा है, कैट की तैयारी करा रहा है, उससे आपको ये ACCA की तैयारी नहीं करनी है। इसके लिए एक ACCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट आप चूज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि आपका मेन एम ACCA करने का है अच्छा प्लेसमेंट हासिल करना, इसलिए आप ऐसा इंस्टीट्यूट चुनेंगे जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड एटलीस्ट 90% हो, 100% भी है लेकिन एटलीस्ट 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाला इंस्टीट्यूट आप चूज करेंगे, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हैं कोई अदर मतलब आप डिग्री के अलावा ही कुछ अदर ये सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपका मेन एम प्लेसमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल तभी हो पाएगा जब उसको कोई कहीं ना कहीं कोई गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, कहीं ना कहीं कुछ सर्टिफिकेशन हो, कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट की क्रेडिट वर्दीनेस होती है ना, ट्रस्ट वर्दीनेस होती है, तो उस इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं कुछ एफिलिएशंस मिले हुए होते हैं जिसके थ्रू वो वेवर देता है, फीस वेवर मतलब होता है डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कराता है। तो मेक श्योर करिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्टिफिकेशन करवाने के चक्कर में आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं, तो मेक श्योर करिए जो आपका इंस्टीट्यूट हो वो ट्रस्ट वर्दी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड मतलब
चार पांच साल से वो एस्टेब्लिश हो, उसने अच्छे अपने रिजल्ट दिए हों, जिसके बेसिस पे बच्चे प्लेस्ड हुए हों, यस और नो। क्वालिफाइड फैकल्टी होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रिपरेशन हर कोई फैकल्टी नहीं करा पाता है। तो मेक श्योर करिएगा आपका इंस्टीट्यूट में वो सारी क्वालिटीज हों, ACC अप्रूव्ड हो, अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, अफोर्डेबल हो, बहुत ज्यादा मतलब 10 लाख 12 लाख आपसे फीस जैसे MBA के लिए चार्ज करते हैं वैसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, और फैकल्टी जो हो वो क्वालिफाइड हो, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड फैकल्टी रिक्वायर्ड होती है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जिनका खुद ACCA क्लियर हो चुका है या फिर खुद MNCs वगैरह में बिग फोर वगैरह में वो वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका क्या रिकमेंडेशन है, आप अपने स्टूडेंट को कौन सा इंस्टीट्यूट को रिकमेंड करते हैं। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा था मेरा, वहां पर भी मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया था, Zell Education, जो कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है अगर आप फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन को करने जा रहे हैं। Zell Education आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अगर आप ऐसा इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं जो ACCA अप्रूव्ड हो, जो कि Zell Education है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर आप चेक करेंगे, अफोर्डेबिलिटी चेक करेंगे, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे, तो हर क्राइटेरिया में आपको सबसे ऊपर जो है वो Zell Education दिखेगा। अब थोड़े बहुत पॉइंट मैं कवर करता हूं कि Zell Education आपकी कैसे मदद करेगा अगर आप ACCA Zell Institute से करते हैं। प्लस ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप ACCA में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपके लिए एक फ्री काउंसलिंग सेशन अरेंज करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप गूगल फॉर्म को फिल आउट कर। अच्छा बात यह है, या एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गूगल फॉर्म को फिल आउट करेंगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं इन एसोसिएशन विद Zell Education, वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो बच्चे भी सीरियस हैं वही ये फॉर्म को फिल आउट करें जिनको भी ACCA के बारे में जानना है, और ये काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां पर कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं करे जाएंगे। ACCA की A to Z पूरी डिटेल आप तक शेयर करी जाएगी, और इफ इन केस आपके कोई भी डाउट है, फीस से रिलेटेड है, आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड है, मटेरियल सिलेबस से रिलेटेड है, सारी डिटेल आप अपने काउंसलिंग जिनसे भी पर्सन से होती है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज इंटरेस्टेड कैंडिडेट ये फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये सिर्फ हमने लिमिटेड स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कराई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन से जितनी जल्दी हो सके भरना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स यहां पर आपको शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता लग सके Zell Education के बारे में और Zell Education आपकी कैसे हेल्प करेगा अगर आप ACCA या फिर कोई और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए Zell Education एक तो इंडस्ट्री लीडर है, मतलब नंबर वन इंस्टीट्यूट है इंडिया का अगर आप फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं। एश्योर्ड ये प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करा, जैसे मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, लेकिन यहां पर तो आपको ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है Zell Education। टाई अप इन्होंने कर रखा है 100 से ज्यादा रिक्रूटिंग फर्म्स के साथ। अगर आप Zell को नहीं भी चूज करते हो ना, तो एक चीज आपको कॉमनली चूज करनी है या फिर चेक करनी है कि जो इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का कितनी कंपनीज के साथ टाई अप है और कितने बच्चे उन्होंने प्लेस्ड कर चुके हैं, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो Zell ने 100 से ज्यादा कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है और 2500 से ज्यादा बच्चों को प्लेस्ड कर रखा है सक्सेसफुली। ठीक है, 360 डिग्री ये प्लेसमेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। दैट सिंपली मींस सिर्फ ये आपको एग्जामिनेशन की ही तैयारी नहीं कराएंगे, रिज्यूम बिल्डिंग, लिंक्डइन बिल्डिंग, लिंक्डइन में प्रोफाइल बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज वगैरह की A to Z पूरी ये प्रिपरेशन कराते हैं। Zell प्लेटिनम सर्टिफाइड पार्टनर है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे ACCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जिनको अप्रूवल मिला होता है सर्टिफिकेशन पार्टनर्स का, उसमें प्लेटिनम अप्रूव्ड है हमारा Zell Education, तो आपको फीस वेवर बहुत ही अच्छा मिलता है, काफी अच्छा डिस्काउंट फीस आपको मिलती है यहां से अगर आप अपना ACCA या फिर और कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन करते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है, अगर आप EMI ऑप्शंस भी यहां पर अवेलेबल है, इफ इन केस आप वन टाइम में पेमेंट नहीं कर पाते फीस ज्यादा होने की वजह से, या जो भी आप लेवल चूज कर रहे हैं उसकी फीस अगर आपको ज्यादा लगती है, तो आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पासिंग रेट की बात करेंगे तो ग्लोबल लेवल जो है वो 40-50% है, लेकिन अगर आप Zell से तैयारी करते हैं तो 85% तक आपका प्लेसमेंट यहां पर, मतलब जितने बच्चे भी Zell Education को एज इंस्टीट्यूट चूज करते हैं उनमें से 85% का सक्सेसफुली पहले ही अटेम्प्ट में ये पेपर्स क्लियर हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल क्लासेस हैं, आप वीकेंड बैच को चूज कर सकते हैं या फिर वीकडे बैचेस भी हैं यहां पर, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस वगैरह आप शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, 1-to-1 मेंटरशिप भी Zell Education आपको प्रोवाइड कराता है। दैट सिंपली मींस जैसे ही आप कोई भी कोर्सेज में इनके एनरोल करते हैं, आपको एक डेडिकेटेड मेंबर अलॉट होता है जिससे आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और इफ इन केस कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कोर्स करते वक्त दौरान, तो आप डायरेक्टली इनको कॉल कर अपना एक मतलब एक सेशन शेड्यूल कर सकते हैं जहां पर आप अपने सारे डाउट इनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो 1-to-1 डेडिकेटेड आपको सपोर्ट मिलता है, प्लस इनके जो क्वालिफाइड फैकल्टी है वो सबसे स्टैंड आउट है,
क्योंकि यहां पर फैकल्टी मेंबर का क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है और सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही हायर करता है इन ऑर्डर टू टीच ACCA स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ यहां पर बेनिफिट है अगर आप ZEL एजुकेशन को चूज करते हो। जैसे हमने बताया लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री मतलब फ्री काउंसलिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं ZEL एजुकेशन के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्म को फिल आउट करिए ताकि आप अपना काउंसलिंग सेशन ACCA के बारे में बुक कर सके। इस सेशन में आप सारी डिटेल्स आप पूछ सकते हैं या फिर जो काउंसलर्स होंगे सारी डिटेल ACCA की आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, आपको ZEL एज ए इंस्टीट्यूट फॉर ACCA चूज करना है या नहीं करना। किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर आप में अपोज नहीं करा जाएगा, फाइनल चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहेगी। ACCA करना भी है या नहीं करना या ZEL से करना है या नहीं करना, फाइनल चॉइस आपकी ही रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई अदर फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।